श्रीवेज मीडिया के इस आज के विशेष चर्चा सत्र में आपका स्वागत है सर जी। और सारे देशवासियों के लिए ये बात कहना उचित रहेगी कि दिलीप मंडल साहब जी ये देश के बहुत जाने माने और जुझारू पत्रकार है, हमेशा ही सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया से लेकर। हाल ही में उन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया है और अमेरिका के दौरे पे उन्होंने भारतीय पत्रकारिता से लेकर दुनिया भर की पत्रकारिता की बात कही है। और आज का आपका स्वागत करते हुए मंडल साहब जी, मैं सबसे पहले आपको यही पूछना चाहूंगा कि कहीं हमारे देश में लोकतंत्र जो है और लोकतंत्र के तहत जो सामाजिक न्याय को हम चाहते हैं, तो क्या इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को अंकित करना और सार्वजनिक क्षेत्र जो है उनका प्राइवेटाइजेशन करना, इन दोनों चीजों से लोकतंत्र को कितना खतरा या कितना धक्का लगता है, क्या कहोगे सर इस बारे में आप? सभी दर्शकों का बहुत बहुत सप्रेम जय भीम। चंद्रकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। तो देखिए, एक चीज तो ये तय है कि दुनिया में जो लोकतंत्र है, कोई भी डेमोक्रेसी है, वो इंस्टीट्यूशन से चलती है, संस्थाओं से चलती है। अगर संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, तो ये कहना कि लोकतंत्र काम कर रहा है और संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, तो ये नहीं हो सकता है। संस्थाओं के जरिए ही कोई लोकतंत्र आगे बढ़ता है। तो भारत में स्थिति ये है कि सारी संस्थाएं जिस तरह से काम करनी चाहिए, संसद को जिस तरह से काम करना चाहिए, जुडिशियरी को जैसे काम करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को जैसे काम करना चाहिए, वो अपने तय तरीके से काम नहीं कर रही है। और इसी वजह से भारत इस समय दुनिया का जो सबसे अंडर डेवलप्ड इलाका है, सबसे कम विकसित इलाका है, जहां पर शिक्षा की दर सबसे कम है, जहां सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं, कोई भी समस्या यहां बहुत बड़ी है। जैसे कि अगर आप दुनिया में सबसे ज्यादा कम ना देख पाने वाले लोग की डेंसिटी कहाँ है, तो वो आपको भारत मिलेगा। सबसे ज्यादा बेरोजगारों की डेंसिटी कहाँ है, वो भारत मिलेगा। सबसे ज्यादा स्लम्स में कहाँ लोग रहते हैं, तो भारत मिलेगा। तो भारत एक दुनिया का प्रॉब्लम स्पॉट है, एक समस्या का केंद्र बन गया है, जो दुनिया की जैसे 7 में से 1 आदमी भारत में रहता है, बहुत बड़ी आबादी दुनिया के यहाँ रहती है। तो दुनिया के विकास में भारत एक तरह से बड़ी बाधा बन गया है कि दुनिया को ऊपर उठना है तो इस साउथ एशिया को और खास करके भारत को एलिवेट किए बिना वो कैसे होगा, ये एक समस्या। मुझे लगता है कि आपकी जो शुरुआती टिप्पणी थी उसका मैं जवाब दे पाया हूँ। सर जी, एक बहुत संक्षिप्त और सटीक जवाब आपने दिया है कि दुनिया भर से भारत के विकास का संबंध जोड़ा है। और भारत में ये जो समस्याएं बनी है सर जी, कि जैसे शिक्षा का अभाव है, सारी चीजों का जो अभाव आपने अभी देखा कि विगत 70 सालों में इसमें इस तरह का काम क्यों नहीं हो पाया कि जैसे संवैधानिक ढांचे में जो कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत जो बातें कही गई है कि उस पर हर राज्य संस्था को काम करना चाहिए था, वो हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या इसके संदर्भ में आप कहोगे? देखिए, भारत की आजादी जो थी वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ही महान प्रोजेक्ट था। और लोग की ये कल्पना थी कि अंग्रेजों के वजह से हमारी जो समस्याएं हैं वो अंग्रेजों के जाने के बाद चली जाएंगी, ऐसा लोगों ने सोचा था। लेकिन अगर हम देखें कि रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं और प्रॉब्लम्स हमारी बनी रह गई। तो ये जो आज़ादी थी, इसने जो आज़ादी का जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट असल में पूरा हुआ नहीं। जो हमारे लक्ष्य थे, जो संविधान निर्माताओं ने जो लक्ष्य तय किए थे, वो उस तरह से पूरा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। और एक तरह से इसको हम अधूरी आज़ादी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो अचीव करना था, जो हासिल करना था, वो उसने अचीव नहीं किया है। और इसको अब आज की तारीख में इवन जो राष्ट्रवादी हो, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, अंबेडकराइट हो, सारे लोग इस बात को मानते हैं कि भारत को जहां पर पहुंचना चाहिए था, भारत वहां पर किसी तरह से वो अचीव एक्चुअली नहीं कर पाया है। तो ये एक जो प्रॉब्लम है इस पूरे जो आज़ादी का जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये एक समस्या में फंस गया है। इसलिए कई बार कहते हैं कि जैसे कि इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़ाई हुई, तो लोगों ने कहा कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। और इसमें इसको सारी मीडिया ने कहा कि जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई, तो इसका मतलब है कि भारत की पहली आज़ादी का जो लक्ष्य था
जो हासिल करना था, भारत को एक डेमोक्रेटिक देश जिसमें कि दुनिया के सारे लोग, मतलब जो भारत में सारे लोग हैं, सबको विकास का मौका मिले, सबको राजकाज में हिस्सेदारी मिले, डाइवर्सिटी हो, एक हेल्थ एजुकेशन ये सबको मिल सके, तो ये जो एक बड़ा जो टारगेट हो सकता था वो टारगेट भारत ने अचीव नहीं किया है। इसलिए असल में आज की तारीख में एक डिसकंटेंट भी है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाई। भारत में जिस तरह के ट्राइबल्स की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है, जो शेड्यूल कास्ट की स्थिति है, ओबीसी की स्थिति है, इवन जो गांव के लोगों की स्थिति है, किसानों की स्थिति है, तो सब जगह सबको लग रहा है कि हमने 70 साल पहले जो सपना देखा था वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये एक समस्या है जिस हमको सारे देश के लोगों को मिलकर ही इसका कोई समाधान मुझे लगता है कि ढूंढा जाना चाहिए। बहुत संक्षिप्त और बहुत ही सटीक जवाब है सर जी आपका। अभी आपने जो जिक्र किया है कि 70 साल में हम इस बात को नहीं अचीव कर पाए हैं, और पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं अगर काम नहीं करती तो डेमोक्रेसी कैसे काम करेगी, तो इस दोनों बातों को जुड़कर एक सवाल मैं ऐसा पूछना चाहता हूं कि यह संवैधानिक संस्थाएं जो है कि विगत 70 सालों से ही ये इस लोकतंत्र के तहत कार्यरत, जो कि जिस शक्ति से कार्यरत होना चाहिए उस शक्ति से कार्यरत नहीं है, या विगत कुछ 5-6 सालों में ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है, जो स्वायत्त संस्था है, इनके काम काज में कुछ शिथिलता आ गई है, क्या कहोगे सर इस संदर्भ में? देखिए एडिटर साहब, मुझे ये लगता है कि प्रॉब्लम जो है वो निश्चित रूप से पिछले 6 साल में बढ़ी है, और बढ़ी इस मामले में है कि समस्याएं तो वही हैं, लेकिन अब समस्याओं को हल करने की जगह ध्यान जो है वो हिंदू मुसलमान और एक छद्म किस्म का राष्ट्रवाद और देश के अंदर ही दुश्मन तलाशने की कोशिश और एक दूसरे के प्रति जो कड़वाहट बढ़ाना और नए ढंग से दुश्मन की तलाश करना, तो ये समस्याएं अब पीछे जरूर चली गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2014 से भारत की समस्याएं शुरू हुई हैं। भारत की समस्याएं उससे पुरानी हैं। अभी खास करके अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से जो पहली कैबिनेट बनी, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो बाबा साहब उस कैबिनेट से इस्तीफा ही क्यों देते। उनके इस्तीफे का मतलब है कि उनको ये समझ में आ गया था कि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन डेमोक्रेसी को जो चीज़ अचीव करनी है वो अचीव करने की दिशा इस समय ठीक नहीं है। इस समझदारी के साथ ही बाबा साहब ने देश की सामने जो बड़ी समस्याएं हैं और वो क्यों वर्तमान सरकार में, वर्तमान कैबिनेट में, वर्तमान समय में ठीक नहीं हो सकती है, इसका बाबा साहब अपने जिक्र करते हैं पूरे अपने इस्तीफे के जो पत्र है उसमें। देखेंगे तो उसमें आप बहुत सारे महत्वपूर्ण इशूज उठाए गए हैं, ओबीसी आरक्षण का इशू उठाया गया है, महिलाओं को अधिकार देने का सवाल उठाया गया है, जो खास करके जो हिंदू कोड बिल को जिस तरह से नकारा गया, विदेश नीति का प्रश्न उसमें आया है, कश्मीर का प्रश्न है, तो बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाकर इस उस कैबिनेट से जो उन्होंने खुद को मुक्त किया, इसका मतलब है कि उन्होंने ये दिशा देख ली थी कि भारत में समस्याएं आने वाली हैं और इस समय जो शासन है वो शासन इन समस्याओं का हल नहीं कर रहा है। तो देखिए कांग्रेस को शुरुआती लंबा समय मिला, 1977 तक लगातार 30 साल मिले जिसमें देश की बुनियाद रखी जाती है, और इस बुनियाद को रखने में कांग्रेस से कहीं ना कहीं चूक हुई, क्योंकि 30 साल में जो बुनियाद रखी जाती है उसी पर कोई इमारत बननी थी। तो वो इमारत आज जिस तरह से बनी है उसमें सबसे बड़ा योगदान, आज अगर भारत दुनिया का सबसे अविकसित देशों में एक देश है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर भारत 130वें नंबर का देश है, इवन आप देखिए तो हर चीज में पर 1 लाख की आबादी पर हॉस्पिटल बेड की संख्या देखिए, पर लाख की आबादी पर ग्रेजुएट की संख्या देखिए, तो ये सारा कुछ जो हमारा पीछे रह जाना है ये 2014 शुरू नहीं हुआ है। मोदी के आने के बाद से सारी समस्याएं शुरू नहीं हुई हैं, समस्याएं उससे पहले से थी। मोदी के आने के बाद जो चीज हुई है वो ये कि उन समस्याओं को समस्याओं की तरह न देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, और उनको लगता है कि समस्या मुसलमान है, समस्या ट्राइबल है, समस्या आदिवासी है, समस्या पड़ोस का मुल्क है। अपने अंदर देखने की जो कैपेसिटी है, जो इंट्रोस्पेक्शन की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी मोदी जी के आने के बाद से निश्चित रूप से घटी है, और इसका नतीजा ये है कि हम समस्याओं को
देखने में भी हम उस तरह से कामयाब नहीं है जो कि हमको होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ही को अगर हम आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे, किसी भी समस्या के समाधान का पहला चरण ये है कि उसको समस्या माना जाए और उसको समस्या की तरह देखा जाए, फिर एनालाइज किया जाए, फिर रास्ता ढूंढा जाए, फिर रास्ते पर चला जाए। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती इस बात से कि समस्या को समस्या माना जाए। अगर हमें लगता है कि पड़ोस का या एक पगड़ का मोहल्ला जो है, जहाँ एक अलग धर्म के लोग रहते हैं, वो समस्या है, तो हम भारत में हेल्थ और एजुकेशन पर बात कैसे करेंगे? ये समस्या नहीं है, लेकिन समस्या आप जो सही आप कह रहे हैं, जिस ओर इशारा कर रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ कि ये समस्या नई नहीं है। ये समस्या भारत की आज़ादी की बुनियाद में भी थी, और उस समय ही ये रास्ता नहीं चुना गया कि सबको लेकर कोई देश बनाना है, और उन्होंने विकास का जो रास्ता चुना वो कुछ लोगों के लिए विकास का रास्ता था, बाकी लोगों के लिए विनाश का रास्ता था, या वहां पर विकास को आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं था। जी, बहुत सही जवाब है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये किसी भी देश के नागरिकों के लिए बहुत अहम किरदार ये समस्याएं निभाती है। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि इन समस्याओं पे सरकारें बातें नहीं कर रही है, और समझो कहीं ना कहीं इनके लिए जो स्वायत्त संस्थाएं बनी है संविधान के तहत, वो संस्थाएं भी इस पर कहीं बात करती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या ऐसा माना जाएगा कि जो सरकारें अभी बन रही है, उन सरकारों के हाँ में हाँ मिलाना ये संवैधानिक संस्थाओं का काम हो रहा है? क्या इससे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ज्यादा खतरनाक बात है, ऐसा नहीं आपको लग रहा है? देखिए एडिटर साहब, मुझे लगता है कि जैसे आप एक उदाहरण मैं अभी आपको देता हूं कि भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, जिसका जिम्मा संविधान ने उनको दिया है कि आप कानून बनाएंगे और कानून को बीच बीच में बदलेंगे अगर जरूरत पड़ेगा, इसके अलावा देश की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, और जो एग्जीक्यूटिव है इससे प्रश्न पूछा जाएगा। ये तीन भूमिका पार्लियामेंट की है, इसके बगैर कोई डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। अभी जैसे कोरोना का पीरियड आया और उसके बाद पार्लियामेंट को थोड़ा पहले स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उस समय चीजें समझ में नहीं आ रही थी तेजी से, और ये फैसला शायद बहुत गलत भी नहीं था कि जो बजट सत्र है उसको जल्दी में उसको निपटा के समय से पहले खत्म कर दिया गया। लेकिन दुनिया के बाकी देशों ने क्या किया? अभी आप जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, जो दुनिया के सारे पार्लियामेंट की एक संस्था है, वो बताती है कि कौन सी पार्लियामेंट चल रही है या नहीं चल रही है। तो आप IPU जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में 100 से ज्यादा देशों की पार्लियामेंट इस समय चल रही है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। कहीं कहीं पूरी पार्लियामेंट बैठ रही है, कहीं वर्चुअल सेशन हो रहे हैं पार्लियामेंट के, कहीं पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या कम करके सोशल डिस्टेंसिंग रख के पार्लियामेंट बैठ रही है, कहीं पर पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग चल रही है, कहीं प्रधानमंत्री को बुलाकर सवाल पूछा जा रहा है, जैसे बोरिस जॉनसन से पूछा गया अभी ब्रिटेन की संसद में पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया। लेकिन आप देखेंगे भारत उन चुने हुए देशों में है जहां इन्होंने पार्लियामेंट को पूरी तरह से स्थगित कर दिया, ना कमेटी बैठ रही है, ना वर्चुअल सेशन हो रहे हैं, ना सरकार के अधिकारियों से कोई सवाल पूछा जा रहा है। तो आप इंस्टीट्यूशन को नष्ट करने का या स्थगित करने का जो एक चलन भारत में शुरू हुआ है, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, दुनिया में अगर सारे देशों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पार्लियामेंट बैठ सकती है, कमेटी बैठ सकती है, कनाडा में जैसे वर्चुअल सेशन हुआ कि सारे लोग अपने घरों में सांसद बैठे रहे और वर्चुअल सेशन में सबने हिस्सा लिया, प्रधानमंत्री से, जस्टिन ट्रूडो से सवाल पूछे गए, हेल्थ मिनिस्टर से सवाल पूछे गए, कोरोना से देश कैसे निपट रहा है, रोजगार का क्या करेंगे, तो ये सारे सवाल पूछे गए। लेकिन भारत की संसद एक यूनिक संसद है जिन्होंने अपने आप को पोस्टपोन कर लिया है कि अब बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं है कि पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाएं। तो ऐसी हालत में सारी पावर क्या हुआ है कि आ गया किसके पास? सरकार के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, उसमें भी कैबिनेट के पास, उसमें भी कैबिनेट में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिए गए उसके पास, और उसमें भी प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं उनके हाथ में सारी पावर आ गई है। तो 130 करोड़ के देश को अगर दो आदमी के विजडम से चलाया जाएगा तो दुनिया के सबसे समझदार लोग भी गलतियां करेंगे, देश को गलत तरीके से चलाएंगे, क्योंकि उनसे पूछ कोई नहीं रहा है कि आपने ये जो फैसला लिया कि अभी अनलॉक करना है, लॉकडाउन को बढ़ाना है, या आपको
लोगों को मदद पहुंचानी है, किसानों को मदद करनी है, कोरोना में अनाज बांटना है तो कितना अनाज बांटना है, इस तरह के सारे फैसले हो रहे हैं। 11 ऑर्डिनेंस पास हो गया इस बीच में, लेकिन उन ऑर्डिनेंस के बारे में पूछने के लिए कोई नहीं है कि आपने ये क्यों किया। आप जैसे अभी इस समय कम से कम अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज बैठ रही होती तो वहां पर बातचीत होती, संसद में, संसद भवन में कुछ गतिविधियां होती, सांसद एक दूसरे से मिलते, सभी पार्टियों के लोग मिलते, उनको कंस्टिट्यूएंसी से सूचनाएं मिलती कि देखो ये दिक्कत हो गई, यहाँ हॉस्पिटल की दिक्कत है, यहाँ बेड नहीं है। अब ये सारी सूचनाएं जो जनता से, 130 करोड़ की जनता से, संसद सांसदों के जरिए सरकार तक पहुंचनी थी, वो पूरी प्रक्रिया हो गई स्थगित, और ये एक बड़ी समस्या है। इसी तरह से जुडिशियरी ने कहा कि जो कोरोना रिलेटेड सरकार जो फैसले कर रही है उस पर हमें कुछ नहीं कहना है, लोगों को जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, इस पर सरकार कोर्ट का आया कि इस पर जो सरकार फैसले ले रही है वो लेने दें, बहुत बाद में इंटरवेंशन आया। तो ये कोर्ट ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चीजें कुछ नहीं रही, सारे लोग फैसले एकदम कंसंट्रेट हो गए कुछ लोगों के हाथ में, तो ब्यूरोक्रेसी नहीं काम कर रही है, कोर्ट अपनी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करने की स्थिति में नहीं है, संसद अपना काम नहीं कर रही है, तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस के बैठ जाने के बाद लोकतंत्र क्या काम कर रहा है, फिर क्या लोकतंत्र है? अगर ये इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो लोकतंत्र मेरे ख्याल से इस समय भारत में उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। तो ये एक भारत की समस्या है, मुझे लगता है कि इस पर सबको विचार करना चाहिए कि हम कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। मैं एक इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जब पावर जो है सत्ता के माध्यम से, समझो कहीं दो व्यक्तियों के हाथ में अगर आ गई है, तो कहीं विपक्ष की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि संसद में विगत 6 साल में जिस तरह से एक ताकतवर बन के लोगों के सवालों को एक ढाल बनाकर जो आना चाहिए सामने विपक्ष ने, वैसा विपक्ष एक ताकतवर बनकर उभरते हुए नहीं दिख रहा है? और दूसरी ओर जो जन आंदोलन होते हैं, किसी समय वो कम्युनिस्ट हुआ करते थे, किसी समय वो समाजवादी हुआ करते थे, अम्बेडकराइट हुआ करते थे, ये सारे आंदोलनों की जड़ें भी आज दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या ये सारी समस्याएं जो है, ये समस्याएं अपने आप उत्पन्न हुई है कि सारे राजनीतिक पक्ष जो है कि उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से हित संबंध जुड़ रहा है, क्या कहोगे सर इस संबंध? देखिए संपादक महोदय, मुझे लगता है कि 2014 के बाद भारत में विपक्ष जो है वो कमजोर हुआ है, एक तरह से एक रोड रोलर या एक बुलडोजर की तरह एक लहर आई जिसने कि बाकी विपक्ष की ताकत को काफी घटा दिया है। 2019 में वो ताकत और भी घट के आई है और बहुत सारी शक्तियां जो एक तरह से प्रतिरोध की और विरोध की शक्तियां हैं, वो उनकी संसद में वैसी आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है जो स्थिति पहले हुआ करती थी। और सिर्फ संख्या की बात नहीं है, बहुत लोग होने से ही विपक्ष मजबूत होता है ऐसा नहीं है, आवाजें जो हैं वो उस तरह से नहीं उठ रही हैं जिस तरह से उठनी चाहिए। वो लोकतांत्रिक आंदोलन, देखिए अभी जैसे अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड का केस होता है तो वहां के लोगों की भी अपनी जिंदगी प्यारी है, बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी उस तरह से देखें तो ज्यादा कीमती है, वो ज्यादा समय जीते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं, ज्यादा ठाट से जीते हैं, ज्यादा शान से जीते हैं। इसके बावजूद वहां पर लाखों लोग सड़कों पर आए और वहां पर सैकड़ों शहरों में प्रोटेस्ट हुए। तो ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी की ताकत है कि ठीक है कोरोना का पीरियड है, बहुत कष्ट है, लेकिन लोकतंत्र के सवाल पोस्टपोन नहीं होंगे, लोकतंत्र के सवाल स्थगित नहीं होंगे, और जरूरत पड़ेगी तो जोखिम को लेते हुए भी लोग अपने अपने सवालों को उठाएंगे, और ऐसा दुनिया के कई देशों में हो रहा है। लेकिन भारत में ये एक बहुत यूनिक समय है, एक अजीब सा समय है, जिस समय भारत में जो इस तरह की शक्तियां हैं वो अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है इस समय। देखिए हुआ क्या है कि बीजेपी कैसे समय में आई है, बीजेपी एक ऐसे समय में आई है जबकि बाकी सारे लोकतांत्रिक जो धाराएं हैं उनका स्टीम जो है, उनकी जो ताकत है वो थोड़ी कम हुई है। कांग्रेस को लगभग 50 साल से ज्यादा इस देश को चलाने का मौका मिला, कांग्रेस ने डिलीवरी नहीं की। बहुत सारे राज्यों में जो समाजवादी धाराएं हैं या बहुजनवादी धाराएं हैं, इनकी 3 या 4 बार सरकारें बनी और उससे जो उम्मीदें थे वो उम्मीदें एक तरह से पूरी नहीं हुई। बिहार, यूपी और तमाम जगहों पे जो थर्ड फ्रंट है, कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं, उनको भी शासन करने का पर्याप्त मौका मिला,
लेकिन चूंकि वो डिलीवर नहीं कर पाए जो उनसे उम्मीदें थी, तो वो आज की तारीख में ये क्लेम लेके भी नहीं जा रही हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, क्योंकि आपको जब मौका मिला तो आपने वो नहीं किया जो आप जिसका आपने वादा किया था। तो ये जो एक होपलेसनेस है, ये होपलेसनेस के समय में नरेंद्र मोदी की शक्ल में एक बीजेपी एक ऐसे आदमी को लाती है जो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रीम सेल करती है, सपने बेचती है, और वो सपने नकली हैं। वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं होना था, सबको समझने वालों को समझ में आ रहा था कोई ये अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, भारत में कोई करप्शन ये खत्म नहीं करने वाले हैं, 2 करोड़ रोजगार ये नहीं देने वाले हैं, 100 नए स्मार्ट सिटी ये नहीं बनाने वाले हैं। और लेकिन फिर भी 5 साल के बाद उस सपने में इतना सदम रह जाता है कि फिर से वो एक सपने को सेल कर देते हैं। इसमें हालांकि और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ईवीएम है वगैरह है, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी देश में पावर बैलेंस जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। हो सकता है कि पेपर से बैलेट से हो तो चुनाव नतीजे पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन जो डिस्कोर्स का बैलेंस है, जो एक विमर्श की ताकत है, उसमें ड्रीम इस समय सिर्फ बीजेपी सेल कर रही है वो कि मुसलमानों को हम कंट्रोल करेंगे, अपने अपने सवर्ण वोटर को वो प्रॉमिस कर रही है कि आपको हम पहली बार आरक्षण देंगे और दे भी दिया, उनको ये भी प्रॉमिस कर रही है कि आरक्षण को हम कमजोर करेंगे और वो कर भी रहे हैं लेटरल एंट्री से और प्राइवेटाइजेशन से। अपने जो कोर वोटर हैं उसको जो ड्रीम उन्होंने दिखाया वो ड्रीम वो पूरा कर रहे हैं, वो विकसित भारत बनाने का जो ड्रीम है वो तो पूरा नहीं कर रहे हैं, आम जनता से जो वादे कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने जो कोर वोटर है, उनका हिंदू अपर कास्ट जो वोटर है, इसको जो उन्होंने वादा दिया है वो वादा तो वो बिल्कुल पूरा कर रहे हैं। जैसे लोग कह भी रहे हैं, जैसे आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो उनका जो कोर वोटर वो कह रहा है कि हमने उनको पेट्रोल सस्ता करने के लिए वोट नहीं दिया था, और जिस वजह से वोट दिया था वो काम वो कर रहे हैं, तो हमको मोदी से शिकायत क्यों होनी चाहिए, हमने उनको वोट इसलिए दिया था कि वो मुसलमानों को कंट्रोल में रखेंगे, ये काम वो कर रहे हैं, तो हमको पेट्रोल क्यों सस्ता चाहिए, इसके लिए तो हमने उनको वोट दिया ही नहीं था। तो जिस वजह से उनका वोट था वो वोटर उनका खुश है, लेकिन बाकी जनता से जो प्रॉमिस था उन प्रॉमिस में से वो कुछ भी पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिए, काला धन नहीं आया, जो इवन डिमोनेटाइजेशन का प्रॉमिस था वो उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, जो देश में जो उन्होंने बाकी वादे किए कितने करोड़ रोजगार देंगे वो पूरा नहीं हुआ, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कृषि का जो उपज की लागत है उसका 1.5 गुना कीमत देंगे वो पूरा नहीं हुआ। तो प्रॉमिसेस उन्होंने पूरे नहीं किए, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी, पहली स्मार्ट सिटी की पहली ईंट नहीं रखी गई है, फिर भी वो कह रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और फिर भी वो वोट ले ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो नैरेटिव है जो सेट करता है आदमी, देखिए एक समाज में विमर्श कौन सेट करता है, जैसे बाबा साहब एनालिसिस ऑफ कास्ट में कह रहे हैं कि भारत का जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो ब्राह्मण है, उसकी तरफ लोग देखते हैं समाज सुधार के लिए कि वो क्या प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो क्या उपाय दे रहा है। तो भारत में अगर जो प्रभावशाली तबका है वो अगर मोदी के साथ है तो बाकी मीडिया वगैरह में उनका वर्चस्व है, अपर कास्ट का कंट्रोल है, तो अपर कास्ट अगर मोदी से खुश है तो अपर कास्ट का मीडिया अपने ताकत से बाकी लोगों को ही बता देगा कि मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नैरेटिव सेट करने की जिनके पास ताकत है वो तबका अगर मोदी के साथ है तो आप मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि नैरेटिव वही सेट करेगा, वही बताएगा कि इस समय पाकिस्तान को गाली देना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो बताएगा कि जो CAA है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसका कि उन्होंने कोई मतलब उनके बड़े प्रॉमिस में प्रॉमिस ही नहीं था, लेकिन वो बीजेपी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बन गया और बीजेपी का जो कोर वोटर है वो कन्विंस हो गया कि हाँ ये करना चाहिए, और वो बाकी लोगों को भी कन्विंस कर लेगा। तो इस तरह से भारत में बाकी जनता काम नहीं हुआ, प्राइवेटाइजेशन वगैरह के जरिए रिजर्वेशन को कमजोर किया जा रहा है, लेटरल एंट्री के जरिए अफसरों की पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां शुरू हुई, अब 400 अफसर फिर आने वाले हैं, मेडिकल में OBC का रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, और इसके लेकर कुछ बहुत बड़ा कोई आंदोलन नहीं हो पा रहा है कोविड के नाम पे, और सरकार ऐसे समय में सारे फैसले कर रही है, SC ST को क्रीमी लेयर में लाने की कोशिश हो रही है, क्रीमी लेयर से OBC क्रीमी लेयर से जैसे कि जो सैलरीड तबका है, कई लाख OBC क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएंगे अगर सैलरी इनकम को इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये सारे फैसले सरकार कोरोना के काल में बहुत आसानी से कर पा रही है, और बहुत बड़ा कोई प्रोटेस्ट इस देश में आज की तारीख में नहीं है। बातें आपने इस संदर्भ में रखी है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विपक्ष के जो राजनीतिक दल है, कहीं ना कहीं वो चाहे वो वामपंथी हो या समाजवादी हो या अंबेडकराइट हो या कांग्रेस हो, ये सारे विपक्ष दलों की सत्ता कहीं ना कहीं आई है और उन्होंने
एक अपना मोरल जो है इन सारी चीजों का काम करने का वो कहीं ना कहीं गवाया है, इसलिए आज वो सही तरीके से काम नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण देकर आपने जो कहा कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे देखिए लेफ्ट को 30 साल शासन करने का मौका मिला पश्चिम बंगाल में, इसके बाद लेफ्ट ये नहीं कह सकते, कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो स्वास्थ्य ठीक कर दूंगा, शिक्षा ठीक कर दूंगा। भाई आपको 30 साल मौका मिला, 33 साल में अगर आपने एजुकेशन और हेल्थ पे काम नहीं किया तो इसका मतलब आपको अगला मौका मिलेगा तो भी आप नहीं करोगे। उसी तरह समाजवादियों को भी बहुत सारे मौके मिले, बीएसपी को भी मौका मिला, तो मौका मिलने के बाद जब आप डिलीवर नहीं करोगे तो लोगों की उम्मीद टूटती है। जी यही बात है ना, राजनीतिक जो मोरलिटी है वो कहीं ना कहीं उनकी ध्वस्त हुई या उसको क्षति हुई है। दूसरी एक बात जो कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के जमाने में जो थी कि ब्राह्मण जाति को या समाज को वो इंटेलेक्चुअल क्लास के तौर पे देख रहे थे, आज तो 70 साल में स्थितियां थोड़ी सी बदली भी लगती है। कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल क्लास जो समाज के दबे हुए तबके उनमें से भी उभर कर आए हैं, लेकिन आज सबसे पहले जो अहम मुद्दा जो आपने कहा कि आज जो मोदी सरकार या बीजेपी का जो सपोर्ट जो है, जो खासतौर पे हिंदू समाज हम कह सकते हैं, तो वो भी से समाज जो है जिसका आरक्षण खत्म किए जा रहा है कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करके, मेडिकल का आपने उदाहरण दिया, तो ये ओबीसी जो तबका है ये कहीं ना कहीं आज आपको ऐसा लग रहा कि एक संभ्रमित अवस्था में है कि कहीं वो खुद को हिंदू भी नहीं कह पा रहा है, कहीं ओबीसी भी नहीं समझ पा रहा है। ये जो द्विधा स्थिति है इसके संदर्भ में आप क्या बात रख सकते हो इस संदर्भ में? सही मायने में देखिए ओबीसी इस देश में मंडल कमीशन के हिसाब से जो उन्होंने 31 की जनगणना और अपने सर्वे वगैरह के आधार पर बताया कि 52% पॉपुलेशन है, आधी आबादी, हो सकता है ये उससे थोड़ा ज्यादा भी हो क्योंकि उसके बाद से भी आप देखेंगे तो खास करके ग्रामीण समुदाय, किसान समुदाय, बच्चे पैदा होने की दर जो ग्रामीण समुदाय है उसमें ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से मोटे तौर पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि 55% या 60% के आसपास ओबीसी है। ओबीसी के बिना इस देश में किसी की सत्ता नहीं बन सकती, कोई सरकार नहीं बन सकती। ओबीसी जब तक नहीं चाहेगा तब तक कोई सरकार नहीं बन सकती है, वो कांग्रेस की सरकार हो या राज्यों में कभी बीएसपी, कभी सपा, कभी आरजेडी या लेफ्ट की सरकार हो, तो वो तो एक जरूरी एक कंपोनेंट है किसी भी सरकार का। अब जो ओबीसी है वो एक तरह से आप देखिए कि उसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब ओबीसी जो है वो अछूतपन उसको नहीं झेलना पड़ा है, हिस्टोरिकली वो किसी भी पीरियड में उसका जो जैसे प्रोड्यूसर्स हैंड इज नेवर अनटचेबल, जो प्रोड्यूस कर रहा है उस हाथ को अगर अनटचेबल बना दिया जाएगा तो फिर जो पावरफुल क्लास है वो खाएगा क्या, और वो अपना घर कैसे बनाएगा, वो अपना मंदिर कैसे बनाएगा और अपना देवता की मूर्ति ही कैसे बनाएगा? तो ये तो संभव नहीं है कि आप जो प्रोड्यूसिंग क्लास है, प्रोड्यूसिंग कास्ट है, उनको आप अनटचेबल नहीं मान सकते हैं, उनसे आपको उनका उपजाया हुआ अनाज भी खाना है, उनका बनाया हुआ बर्तन भी यूज करना है, उनको उनका बनाया हुआ घर भी यूज करना है, तो इनको अनटचेबिलिटी कभी फेस नहीं करनी पड़ी है। तो इसकी वजह से ओबीसी का और शेड्यूल्ड कास्ट का दोनों का हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट अलग अलग है। जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो चूंकि कास्ट सिस्टम से बाहर रहा है, चार वर्णों से बाहर रहा है, वो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, वो पंचम जिसको बोलते हैं या बाह्य बोलते हैं या जो मतलब शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी जो बनी है, तो इनका इनके लिए इस व्यवस्था को बदल देने का उनका जो जज्बा है वो जज्बा अगर आप ओबीसी में ढूंढ रहे हैं तो ये शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसको समस्या उसकी बहुत रही है। लेकिन उसकी जो गुलामी है, जिस गुलामगिरी की बात आपने ज्योतिबा फुले कर रहे हैं, वो गुलामगिरी अछूत होने की गुलामगिरी नहीं है। तो इन दोनों को आप एक तरह से नहीं देख सकते हैं, वो कई जगह वो उन्होंने रूल भी किया है, कई जगह वो उनके पास लैंड भी है, कभी भी वो लैंड एलिनेशन एक्ट के तहत उनसे लैंड छीना भी नहीं गया है। तो उनका जो उनकी उनकी समस्या आज की तारीख में जो है, तो मेरे ख्याल से वो समस्या उनकी राजकाज में हिस्सेदारी नहीं होने की है, वो जैसे मिसिंग है। भारत को जैसे चलाने वाले जो मंत्रालय हैं उसमें 88 सेक्रेटरी हैं, अब 88 सेक्रेटरी में इस समय कोई ओबीसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज देखिए वहां आपको ओबीसी नहीं मिलेगा, भारत का कोई भी राजदूत आपको देखिएगा तो उसमें ओबीसी शायद आपको ना मिले, वाइस चांसलर जो 49 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है उसमें शायद सिर्फ एक ओबीसी है। तो ओबीसी राजकाज में मिसिंग है,
ओबीसी को इस देश में शासन चलाने में उसकी हिस्सेदारी जो है वो लगभग 0 या 2 या 4% के आसपास है। क्लास वन ऑफिसर्स में नहीं है, वो एडिशनल सेक्रेटरीज नहीं है, बड़े पोजिशंस गायब हैं, जैसे कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उनके चेयरमैन नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, बैंक्स में नहीं है, LICs वगैरह में नहीं मिलेंगे, PSUs में नहीं मिलेंगे, तो वो असल में शासन में उसकी हिस्सेदारी नहीं, प्रोफेसर्स नहीं है, जैसे कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, इसमें आपको प्रोफेसर ओबीसी ढूंढिएगा तो लेंस लगा के देखने से भी आपको वो मिलेगा नहीं, कहीं पर एक दो मिल जाए, लेकिन जनरली नहीं है। तो किसी भी शासन के अंग में ओबीसी इस समय ऊपर की स्थितियों में, ऊपर की पोजिशन में नहीं है। ये ओबीसी की इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो एक उससे बेटर स्थिति में इस समय आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मिल जाएगा, जिसकी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी आपको फिर भी शासन में मिल जाएगी। ओबीसी इस समय बिल्कुल ही बिल्कुल नकार दिया गया कम्युनिटी है, तो उसको उसके जो सवाल हैं वो चूंकि अलग हैं, तो वो अलग ढंग से रिएक्ट करेगा। और ओबीसी को जो दूसरे तरह की अफीम असल में उनको चटाई गई है, खास करके आरएसएस के द्वारा, कि आप हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते आपको देश पर राज करना है, और आपका दुश्मन कौन है, तो आपका दुश्मन वो नहीं है जिसने आपके पोजिशन पर कब्जा कर लिया है, दुश्मन वो नहीं है जो आपके पोजिशन पर प्रोफेसर बन गया है, दुश्मन वो नहीं है जो आपके पोजिशन पर सेक्रेटरी बन गया है, दुश्मन वो नहीं है जो आपके आपका जो हिस्सा होना चाहिए वहां पर आपका जज बन के बैठा हुआ है, आपको जो चेयरमैन नहीं बनने दे रहा, MD नहीं बनने दे रहा, किसी बैंक में ऊंचे पोजीशंस पे नहीं है, आपको इस देश में बैंक का लोन नहीं मिलता है, लोन बैंक लोन ओबीसी के पास बहुत कम है, तो आपको राजकाज में हिस्सा नहीं दिया गया, वो आपका दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन कोई और है, और वो दुश्मन कौन है, तो जिसको RSS ने चिन्हित करके बता दिया वो दुश्मन है, तो चूंकि वो दुश्मन से लड़ रहा है। अब जब लड़ाई होती है उस समय अपने हाल के बारे में चिंता नहीं की जाती है, उस समय लड़ा जाता है, तो ओबीसी से लड़ाई लड़ रहा है, और वो लड़ाई किससे लड़ रहा है, अपने समस्याओं से नहीं लड़ रहा है, वो अपने एजुकेशन में उसकी हिस्सेदारी नहीं है उसको लेकर नहीं लड़ रहा है, अपने हेल्थ केयर के लिए नहीं लड़ रहा है, अपने नौकरी के लिए नहीं लड़ रहा है, राजकाज में अपनी पोजीशन के लिए नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो लड़ रहा है, तो लड़ किससे रहा है, वो उनसे लड़ रहा है जिससे RSS ने बता दिया कि तुम उससे लड़ो, तो उस लड़ाई में चूंकि वो इन्वॉल्व है और उससे लग रहा है कि वही उसका दुश्मन है, तो ऐसी स्थिति में उससे ये कामना करना कि वो इस लड़ाई में सबसे आगे जाएगा, तो ओबीसी को असल में ओबीसी के अंदर एक बहुत बड़ा एक रिनेसा एक नवजागरण की जरूरत है, वो कौन करेगा पता नहीं, ओबीसी के अंदर उस तरह की लीडरशिप अब इस समय नहीं है जो एक समय लोहिया के बाद एक तरह से आई थी किसान जातियों में, एक जो एक रिसर्जेंस हुआ था जिसको कि क्रिस्टोफ जेफरले जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि साइलेंट रिवोल्यूशन हुआ था कि पॉलिटिकल पावर में हिस्सेदारी चाहिए, उसमें लालू यादव मुलायम सिंह यादव, आपको दक्षिण में भी कई सारे लोग ओबीसी के बड़े नेता, इवन किसान जातियों को अगर आप ले लें तो चरण सिंह वगैरह कई सारे लोग आए थे, लेकिन वो अब पॉलिटिकल प्रोसेस इस समय रुका हुआ है और उस पॉलिटिकल प्रोसेस को रोकने में BJP कामयाब है, तो इस समय BJP और RSS का एजेंडा जीता हुआ एजेंडा है और ओबीसी का जो एजेंडा है वो हारा हुआ एजेंडा है। कोई किसान आंदोलन इस समय बड़े देश में नहीं हो रहा है, टिकैत वगैरह का जो आंदोलन था वो सब भी नहीं है, तो किसानों के जमीन का आंदोलन, सिंचाई का आंदोलन, उनके फसल की उचित कीमत का आंदोलन, आपको इस समय देखिएगा तो कई सारी सब्जियां 8 रुपए 10 रुपए किलो बिक रही है, तो आप सोचिए कि मंडी में आया, मंडी से दुकानदार को आया और आपने खरीदा उतने कम में, तो खेत में आज की तारीख में क्या कीमत होगी उन चीजों की, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस देश में सबसे सस्ता है, बाकी चीजें महंगी हो गई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सस्ता रह गया, इसका मतलब देश की 65% किसानों के पास पैसा पहुंच ही नहीं रहा है, उसका माल जब इतने सस्ते में बिक रहा है, बाकी आप देखिए कि एक बिल्डिंग है आप खरीदिए, उस बिल्डिंग की कीमत अगर आपने 70s में खरीदी होंगी तो उसकी कीमत, और उतने ही पैसे का अगर आपने किसी गांव में जमीन खरीदी होगी और उससे जो फसल उगती होगी उसकी कीमत का अंतर, आज की तारीख में वो अंतर जो शहरों में जमीन खरीदी होगी उसका यहाँ पर होगा, तो किसानों की कीमत यहाँ पर होगी, तो ये जो सारे किसानों को जो गरीब बना दिया गया है, इसकी जो इसके खिलाफ जो चेतना होनी चाहिए अपने को स्थिति सुधारने की, ये चेतना का अभाव है और इससे बड़ी समस्या पैदा हो रही है। बहुत सटीक बात आपने रखी है और बहुत ही वास्तवपूर्ण बात आपने ओबीसी के संदर्भ में रखी है। दूसरा, उसको जोड़कर मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे ही मंडल का दौर आता है, मंडल उसका अमल करने का जब दौर आता है और मंडल को अमल में लाने के जमाने में ही यहां पर ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को प्रारंभ हो जाता है। आज तो बात यहां तक आ गई कि रेलवे का भी हिस्सा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और कई सारे तज्ञ ये कह रहे हैं
कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस के जमाने में जो था तो 49% किसी भी पब्लिक सेक्टर में किया जाए, पर आज ये जो हो रहा है प्राइवेटाइजेशन वो 50% से ज्यादा होने जा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन जो है इंस्टीट्यूट्स का, ये क्या ये मंडल कमीशन के तहत ओबीसीओ में कितना ये नुकसान पहुंचाएगा, क्या लगता है आपको इसमें? एक बात एडिटर साहब, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आप इस पर विचार कीजिए कि चूंकि हमने बातचीत लगभग 40 मिनट कर ली है और अब जो आप विषय छेड़ रहे हैं ये कम से कम 30-40 मिनट का विषय है, तो अगर हम इसका पार्ट टू डिस्कशन का कल या किसी दिन अगर रख लें तो आपके साथ बिल्कुल, मुझे आपके जो दर्शक हैं ऑडियंस हैं उनके साथ हम इसको फिर डिटेल में और बातचीत करेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग इसको इसको रोक लें और बात बिल्कुल 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 सर, बहुत 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 धन्यवाद सर आप हमसे जुड़े, और पार्ट टू में अपन शायद एक फिर हम बात करके फिर से जुड़ना चाहेंगे कि इस देश के प्राइवेटाइजेशन के तहत हम बात करेंगे और उसका क्या असर रहेगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, उस सारी चीजों पे हम आर्थिक समस्याओं को लेकर इस पर बात जरूर करेंगे। फिलहाल आपने जो 40 मिनट का समय और एक घंटे का जो समय दिया त्रिवेज मीडिया को, और आपने सारी चीजों को बिल्कुल विश्लेषण के तौर पर रखा है, और जाते जाते मैं एक आपको एक सवाल इतना ही करना चाहता हूं कि हाल ही में आपने अमेरिका का दौरा भी किया है, थोड़ा सा एक मिनट के लिए क्या डिफरेंस लगा आपको वहां के जीवनमान में और भारतीय जीवनमान में, जो जहां दोनों ही देशों में जहां की लोकतंत्र? इसको भी हम लोग अगली बातचीत के लिए पोस्टपोन कर लेते हैं क्योंकि ये एक अच्छा विषय है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 धन्यवाद सर आपने जो समय दिया, और बार बार चाहेंगे कि थ्रीवेज मीडिया आपसे ऐसी बातें करना चाहेंगे। धन्यवाद आपने जो समय दिया, और सारे दर्शकों का धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।